भाई दहशत गर्द धमाका करके भाग गया, पॉलिटिशियन पैसे लेकर भाग गया, और हमारी पुलिस किसको पकड़ेगी जो हेलमेट नहीं पहनता। पॉइंट यार एकदम मुबारक हो, आज फिर से हम ना फजीहत होते हुए देख लेंगे यार मच हेटेड गोदी मीडिया की, ब्लाइंड फॉलोवर्स यानी कि अंध भक्तों की, और कट्टरपंथी जाहिल लोगों की इन जनरल। हे हाय हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, मैं निधि शर्मा इंडिया से, एंड आई डू नॉट सपोर्ट मोदी मीडिया, टू बी प्रिसाइज गोदी से बेटर है, सच्चाई इसमें ना साफ जाहिर हो रही है। एंड मोस्टली तो ना हमारे जो सच्चे सनातनी भाई हैं वही इन ब्लाइंड फेथ वाले फेक लोगों को डीमोलिश करने का काम करते हैं। सो अ बिग सल्यूट टू ऑल ऑफ देम, फॉर एग्जाम्पल कुमार विश्वास जी, राजीव दीक्षित साहब, वो तो इज अ लेजेंडरी ह्यूमन बीइंग, अरविंद केजरीवाल भाई साहब, हम इन सभी को आज ना इस वीडियो में एक्सपीरियंस करेंगे, तो खुश हो जाइए, एक सच्चाई शोकेस करने वाला वीडियो है ये। तो हम पहले ना वीडियो विटनेस करते हैं, उसके बाद टीका टिप्पणी तो ऐसी शानदार होने वाली है, और साथ ही साथ तफसीली गुफ्तगू भी होने वाली है जो कि प्यार भरी और मोहब्बत नुमा होगी। तो बने रहिए आपकी होस्ट और आपकी दोस्त निधि शर्मा के साथ। भाई दहशत गर्द धमाका करके भाग गया, पॉलिटिशियन पैसे लेकर भाग गया, और हमारी पुलिस किसको पकड़ेगी जो हेलमेट नहीं पहनता। पॉइंट यार एकदम ओपी। जी जी बेटा बोलो। मैं एक बीटीसी छात्र हूँ। बीटीसी टेट सीटेट पास हुई, मेरा बीजेपी से क्वेश्चन है कि कैसे हो जाऊँ तेरी इबादत में फना। कैसे हो जाऊँ तेरी इबादत में फना, कैसे हो जाऊँ तेरी इबादत में बना। मैंने मांगी नौकरी या तुमने दे दिया नमक दे लो चना। ब्रो अब हमको सोच करके बताइए। ठीक है, जब एयर इंडिया भारत सरकार का नहीं है, समझ गया, तो विमान मंत्री सिंधिया का लेकर के क्या करेंगे। बात तो सही है। जब नहीं है एयर इंडिया तो क्या करेगा ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये सोच करके मुझे बताइए कि जब हमारे पास रेलवे ही नहीं बचेगी तो रेल मंत्री क्या करेगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। जब हमारे पास BSNL ही नहीं बचेगा तो कम्युनिकेशन मिनिस्टर क्या करेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए, जब आप शिक्षा को बेच ही देंगे तो एजुकेशन मिनिस्टर क्या करेगा। पेनफुल। और कहते हैं कि सब कुछ के लिए आत्मनिर्भर बनो, तो आप भी आत्मनिर्भर बन जाओ, आपको भी देश का प्रधानमंत्री होने का क्या जरूरत है। बात तो सही है, गजब बेइज्जती है। मोदी जी वाह। कैग की रिपोर्ट में एक के बाद एक बीजेपी के काले कारनामे उजागर हो रहे हैं। मोदी सरकार का सबसे बड़ा घोटाला आयुष्मान योजना है, जिसमें मुफ्त इलाज के नाम पर मुर्दों का इलाज करवा रही भाजपा ने इलाज कराने वाले 7.5 लाख लोगों को एक ही मोबाइल नंबर से जोड़ दिया। मोदी जी का दूसरा महाघोटाला है द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसमें मोदी जी ने मात्र 1 किलोमीटर सड़क 250 करोड़ में बनवाकर जनता का पैसा निकल लिया। सोचो कहाँ पहुँच गया वो वीडियो, जो लोग 4 बजे देखते थे, देखा उनका योगा आपने। देखिए देखिए सिंपल आसन कर। हम तो ये कहते हैं कि जो काम नहीं कर सकते क्यों करना। अगर योगा ही करना था तो लोम विलोम करके ही काम करा लेते। अच्छा भी वो अमेरिका का एक वैज्ञानिक कह रहा था जी, बोले हमने एक आदमी की किडनी बदली, 2 घंटे बाद वो काम धंधा ढूंढ रहा था। अच्छा, मैं एक जापान का था, बोले जी हमने एक आदमी का हृदय बदला था, 6 घंटे बाद वो काम धंधा ढूंढ रहा था। ठीक है, मैं एक भारतीय भी था, बोले जी हमने तो एक आदमी बदला था बस, पूरा देश काम धंधा ढूंढ रहा है। मजदूरी कर रहा। मुसलमान इस मुल्क के खतरा है, बताओ इस देश के OBC समाज के लोगों, तुम्हारे मंडल कमीशन का विरोध किसी मुसलमान ने किया क्या? रोहित वेमुला पायल तड़वी के खिलाफ कोई मुसलमान खड़ा था क्या? आपका लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, ये कोई मुसलमान छीन रहा है क्या? सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी को प्राइवेट हाथों में बेचकर आपका आरक्षण खत्म कर दिया गया, ये कोई मुसलमान कर रहा है क्या?
आपके बच्चों की शिक्षा को प्राइवेट हाथों में बेच करके अंबानी अडानी का गुलाम बना दिया गया। लाखों रुपए में डिग्रियां बिकेंगी, जिसकी जेब में पैसा होगा उसके बच्चे पढ़ेंगे, जिसकी जेब में पैसा नहीं होगा उसके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। ये कोई मुसलमान कर रहा है क्या? बात तो सही है। इस देश में दुकान में सामान हो या नहीं, बेचना दो लोगों को आया, दोनों इस समय टॉप पर हैं भाई। 12 साल बाबा ने टेलीविजन पर आकर कहा काम धंधा छोड़ो योग करो, काम धंधा छोड़ो योग करो, हमने योग शुरू कर दिया, उसने काम धंधा। पहले हम रोड टैक्स दे देते हैं, फिर ऊपर से टोल टैक्स देते हैं, हर 20-25 किलोमीटर चलने का टोल टैक्स अलग से देते हैं। मन में कभी सवाल नहीं उठता आपको कि जब हमने रोड टैक्स दे दिया तो ये टोल टैक्स क्यों देना? या तो हम रोड टैक्स नहीं भरे तब समझ में आता है, रोड टैक्स भी दे रहे हैं फिर टोल टैक्स क्यों? हमारे ही रोड टैक्स के पैसे से रोड बन रही है, फिर उसी पे चलने के लिए और टोल टैक्स क्यों, और हर 20-25-50 किलोमीटर पर क्यों? एक दिन मैंने हिसाब निकाला था, दिल्ली से कलकत्ता अगर गाड़ी से आप चले जाएं तो डीजल के खर्चे से ज्यादा टोल टैक्स का खर्चा दिल्ली से कलकत्ता सड़क रास्ते से आप चले। तो हम हिंदुस्तान की सरकार को इनकम टैक्स के रूप में, कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में, एक्साइज ड्यूटी के रूप में, वैल्यू एडेड टैक्स के रूप में, सेल्स टैक्स के रूप में, सैंपल सेल्स टैक्स के रूप में, रोड टैक्स के रूप में, टोल टैक्स के रूप में, प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में, हाउस टैक्स के रूप में, 64 तरह के टैक्स के रूप में हर साल हम 20 लाख करोड़ दे देते हैं। 6,14,000 करोड़ केंद्र सरकारों को और बचा हुआ सब राज्य सरकारों को, 35 राज्यों में। फिर हमारी गरीबी रूपी बेकारी क्यों? आपका राज है क्या? डीजल मिलता है, पेट्रोल 30-32 रुपए में मिलता है, उसको आप 90 से 100 रुपए बेच रहे हो। आपके बाप का राज है क्या कि लूटोगे खाओगे, खुद 15-15 लाख के सूट पहनोगे, और किसान है उसके तन पे कपड़ा नहीं है, मजदूर के तन पे कपड़ा नहीं है, आप घूम रहे हो वहाँ 36 तरह के व्यंजन खा रहे हो, वो सूखी रोटी खा रहा है, और किसान ने अगर पिज्जा खा लिया तो उसको सोशल मीडिया पे चलाते हो, पिज्जा क्यों खा लिया? आपको ही अधिकार है पिज्जा खाने का, आपको ही अधिकार है कूलर में सोने का, आपको ही अधिकार है एसी में रहने का, आपको ही अधिकार है पेंट शर्ट पहनने का। आपके बाप दादा ही लेके आए थे क्या प्रॉपर्टी? आपके तो मैं चाय बेचने वाला था। नरेंद्र मोदी जी कितने चाय बेचने वाले 15-15 लाख का सूट पहनते हैं, और वो किसान है, वो कल भी फटी धोती में था, आज भी फटी धोती में था, फिर कहां से आप जनता के देसी हो गए? गजब बेइज्जती। ये बेइज्जती ना बहुत जरूरी हो गई है रियलिटी चेक्स देने के लिए। जो पहला स्टेटमेंट था उससे लेकर के आखिरी स्टेटमेंट तक सिर्फ और सिर्फ सच्चाई हमको दिखलाई गई, जिसे हम सभी को समझने की जरूरत है। चाहे लाला आरामदेव हो या गोदी जी या शाह साहब, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और अब भारत को इनकी जरूरत नहीं है। इस असमंजस्य की स्थिति में से ना हमको बाहर निकलने की जरूरत है, एक अच्छी सरकार चुनने की जरूरत है, कट्टरवाद को 100 कोस दूर से बाय बाय कहने की जरूरत है, और देश के असल मुद्दे, असल तकलीफों को समझने की जरूरत है। हमको क्वेश्चन करना पड़ेगा यार, ये महंगाई इतनी ज्यादा क्यों हो गई है? क्यों बेरोजगारी उरूज पर है? चीटी जैसी बारीक गलती या गुनाह अगर कोई कर देता है तो उसको तो अच्छी खासी सजाएं मिलती हैं, फाइन लगता है, और जब हाथी जैसा ब्लंडर करके एक पॉलिटिशियन नामक गुंडा निकल जाता है ना, उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलता। हजारों करोड़ के लोन लेकर के बड़े बड़े पूंजीपति गायब हो जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, भारत छोड़ देते हैं, उनको कोई सजा नहीं मिलती। इट्स हाई टाइम नाउ कि हमारा देश संविधान के अकॉर्डिंग चले और अच्छी सरकार यहाँ पर रूल करे। उसके लिए कड़े कदम हम ही को उठाने होंगे। क्या आप हमारे साथ इस मिशन में शामिल होंगे? यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो पॉसिबली इट्स अ यस, राइट? सो व्हेन इट कम्स टू योर कंट्री, बी पेट्रियोटिक एंड वोट फॉर द करेक्ट पॉलिटिकल पार्टी। टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैप्पी एंड हेल्दी। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।